दोस्तों महर्षि वाग्भट जी ने कहा है कि सुबह की लार बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्या आपको पता है कि मुंह में बनने वाली लार या फिर ये जो सलाइवा है हमारी सेहत के लिए कितनी फायदेमंद है? इस बारे में हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो मुंह का स्वाद बरकरार रखने से लेकर कई बीमारियों और इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे जो मुंह में सलाइवा बनती है, लार बनती है, उसे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, हमें क्या क्या शारीरिक फायदे मिल सकते हैं, इसे उपयोग किस तरह से करना है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद, इस जानकारी को देखने के बाद, जानने के बाद आप लार की महत्व को जान लोगे और इसे उपयोग करना भी सीख जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। लार में दोस्तों सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, प्रोटीन, ग्लूकोज जैसे तत्व होते हैं जो दांतों को मजबूत बनाते हैं। इसमें मौजूद एंटीबॉडीज दांतों को हार्मफुल इन्फेक्शन से बचाते हैं, जिससे दांत सड़ते नहीं है। यह दांतों पर सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। लार मुंह में भोजन के कणों को तोड़ने में मदद करती है, जिससे खाने को पचाने में आसानी होती है। अगर शरीर में लार की कमी हो जाए तो आप खाना तक नहीं खा सकते, खाने को निगल भी नहीं सकते और डाइजेशन पर इसका असर पड़ता है। लार में सलाइवा पैरोटिड ग्लैंड हार्मोन पाया जाता है, जो कि त्वचा से उम्र के प्रभावों को कम करते हैं और आपको लंबे समय तक युवा बनाए रखता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंटीबैक्टीरियल तत्व और इम्यून प्रोटीन ए होते हैं, जो मसूड़े और गले को कई प्रकार के हानिकारक इन्फेक्शन से बचाते हैं। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति के मुंह में प्रतिदिन 1000 से 1500 मिलीलीटर लार बनती है, जो मुंह में मौजूद कैविटी, हानिकारक बैक्टीरिया और बारीक भोजन के कणों को साफ करने में हेल्प करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक ऐसा ही गैंग्रीन यानी कि अंग का सड़ जाना एक तरह का रोग होता है। इस रोगी को डॉक्टर ने कहा था कि आपका पैर जो है काटना पड़ेगा। उसने क्या किया कि साल भर तक लार लगा लगा कर ही अपने पैरों को ठीक कर लिया, जख्म को ठीक कर लिया। जिस तरह से किसी बॉडी में होने वाली प्रॉब्लम को पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, उसी तरह से लार के जांच से भी सेहत का हाल पता चल सकता है। खासतौर पर HIV के इलाज में लार का जांच बहुत ही महत्व है। अब वैज्ञानिक डायबिटीज, दिल के रोग और कैंसर जैसे रोगों का लार से परीक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं। लार की मदद से किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग या फिर चोट से रिकवरी आसानी होती है। यह मुंह में होने वाली ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती है और चोट वाले भाग को इन्फेक्शन से बचाती है। आपने देखा होगा कि जानवरों को लगते ही वो उस जगह पर चाटना शुरू कर देता है और ऐसे ही अपने घाव को ठीक कर लेते हैं। आप भी इसका इस्तेमाल चोट लगे हुए हिस्सों पर करके घाव को ठीक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप डार्क सर्कल से परेशान हैं, तो सुबह के मुंह की लार धीरे धीरे अपनी आंखों के आसपास मलें। कुछ ही दिनों में काले घेरे दूर हो जाएंगे। आपकी आंखें कमजोर हैं, आंखों पे चश्मा लगा हुआ है, दूर पास का ना दिखता हो, आंखों से पानी आता हो, आंखों से खुजली होता हो, आंखों में किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो आप सुबह उठते ही अपनी मुंह की लार को काजल की तरह आंखों में लगाएं। लार को आप अपनी आंखों में लगाएंगे तो आपको पहले दिन से फर्क दिखने लगेगा और अगर आंखों पर चश्मा लगा हुआ है तो वो भी उतर जाएगा। दोस्तों इसके बारे में श्री राजीव दीक्षित जी ने भी कई बार बताया है। इसके अलावा मुंह में लार कम बनने से सांसों से बदबू की प्रॉब्लम हो सकती है। मुंह में रह गए भोजन के कण और बैक्टीरिया कई बार इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, जिससे सांसों की बदबू आती है। लार इन कणों और बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती है। लार बनने से मुंह और गले में नमी बरकरार रहती है, जिससे हमें बोलने में आसानी होती है। हाँ, बहुत ज्यादा लार बनने से जरूर बोलने में दिक्कत हो सकती है, इस बात से भी गुरेज नहीं किया जा सकता है। दोस्तों मुंह में मौजूद लार कार्सिनोजेन में मौजूद सुपरऑक्साइड फ्री रेडिकल से लड़ते हैं, जिससे कैंसर होने का रिस्क कम होता है। भोजन को चबा चबा कर खाने से मुंह में लार बनती है, जो कि खाते वक्त ही कार्सिनोजेनिक तत्वों को खत्म करने में मदद करती है। कार्सिनोजेन डाइट के हानिकारक तत्वों के इन्फेक्शन से लार न सिर्फ मुंह को साफ करती है, बल्कि 30 मिनट तक पेट में भी यह प्रोसेस चलती रहती है। तो दोस्तों सुबह का सलाइवा जो होता है, लार जो होता है, उसका उपयोग कीजिए। आपको डार्क सर्कल है तो आप डार्क सर्कल पे लगाइए लार को सुबह उठते ही। आंखों की किसी भी प्रकार की समस्या है तो लार को आंखों पे लगाइए। अगर आपको जख्म हो गया है, चोट लग गई है, तो उसे इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी आप अपनी लार को उस जख्म पे लगा सकते हो और उसे ठीक कर सकते हो। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए, इस जानकारी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जरूर शेयर करना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।